नमस्कार, मैं उमाई सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी में पूर्वांचल की उस सीटों को लेकर जिसको लेकर सियासी घमासान मचता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी भी अटकलें तेज हैं कि इन सीटों पर किसका दबदबा कायम होगा। जिसमें अगर बात किया जाए फूलपुर मिर्जापुर सीट को लेकर खास तौर पर ये बातें सामने आती हैं। वहीं पल्लवी पटेल की अगर बात कर लिया जाए तो पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अखिलेश यादव का दामन छोड़ा और वो ओवैसी के साथ वो गठबंधन में आ गई, लेकिन उसके बाद अब ये तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या वाकई में पल्लवी पटेल ने गलती की है या फिर वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी को चलाते हुए नजर आ रही है? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में पल्लवी पटेल अब किसी और पार्टी का रुख करेंगी या फिर अखिलेश यादव का दामन थामते हुए नजर आ सकती हैं। आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव का साथ उन्होंने जब से छोड़ा है वैसे में उनकी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जब पल्लवी पटेल को चुनाव चिन्ह के लिए उनको झटका मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से रुख किया, लेकिन वहाँ से भी पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लग गया। अब पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशियों को चुनाव किस चुनाव चिन्ह पर लड़वाती, इसके लिए उन्होंने ओवैसी का रुख किया। ओवैसी ने भी साफ तौर पर अपना चुनाव चिन्ह पल्लवी पटेल को देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा। लेकिन पल्लवी पटेल ने जैसे तैसे करके अपने 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। क्या वाकई में उनके जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर तो चुके हैं, क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे या फिर अखिलेश यादव की बात करें तो वो उनका खेल बिगाड़ सकते हैं? आपको बता दें, दरअसल चाहे अखिलेश यादव हो या पल्लवी पटेल हो या फिर ओवैसी हो, ये तीनों दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें तो वो पीडीएम का मोर्चा खोलते हुए नजर आई थी, वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा लगाया था जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आते हैं और पीडीएम में पिछड़ा दलित और मुस्लिम वर्ग आते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ने साफ तौर पर मुस्लिम वर्ग को तो साधा है, लेकिन पल्लवी पटेल भी उसमें पीछे नहीं है। पल्लवी पटेल ने भी मुस्लिमों पर अपना दाव लगा दिया और पीडीएम का नारा जब से पल्लवी पटेल ने लगाया उसके बाद से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नाराजगी और भी बढ़ते हुए नजर आई। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल क्या अखिलेश यादव को अपनी डूबती नैया बचाने के लिए उनकी तरफ रुख करेंगी या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि ओवैसी के इस बात को लेकर उनका चुनाव चिन्ह ना देने को लेकर बातें बनती हुई नजर आई है। ऐसे में पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन अगर ऐसे में बात किया जाए कि क्या पल्लवी पटेल खुद उन्होंने नामांकन नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आए। लेकिन अगर वो अनुप्रिया पटेल का रुख कर लेती हैं या फिर अखिलेश यादव या मायावती का, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकती हैं। बीच में हालांकि वो मायावती के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मायावती ने उनको लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया था और वो उन्होंने पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में माना यही जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल मायावती के साथ जाएंगी, लेकिन वो सारी अटकलें खत्म हो जाती हैं। अब बातें निकल कर यही आ रही है कि पल्लवी पटेल या तो आकाश आनंद के जरिए मायावती का दामन थाम सकती हैं या बहन अनुप्रिया पटेल के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी पल्लवी पटेल मुसीबत में फंसी हुई हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर। जिस तरीके से सीटों की जद्दोजहद चल रही है मिर्जापुर फूलपुर सीट को लेकर खास करके अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों बहनों की लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर जीत कौन हासिल करेगा अभी इस पर किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर में सपोर्ट करने पहुंचते हैं। ऐसे में माना यही जा रहा था कि पल्लवी पटेल को वहां से खासा नुकसान झेलने को मिल सकता है। पल्लवी पटेल को नहीं, अखिलेश यादव और तमाम जितने निर्दलीय छोटे नेता वहां पर मैदान में उतरे हैं उन सभी को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन
अगर बात कर ली जाए राजनाथ सिंह की, तो अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट करते हुए नजर आए और अनुप्रिया पटेल का भी वहां मिर्जापुर में काफी दबदबा देखने को मिलता है। अब ऐसे में यही बात निकलकर सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से अपनी राजनीति में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पल्लवी पटेल अपनी कुछ नादानियों की वजह से अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं लुटिया डुबोते हुए भी नजर आ रही है। अब ऐसे में यही बात निकलकर सामने आएगी कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल इस मैदान में बाजी मारेंगी या फिर अनुप्रिया पटेल उनके साथ बाजी मार सकती हैं या पल्लवी पटेल मायावती का रुख करेंगी या अखिलेश यादव के साथ फिर से पार्टी में शामिल हो सकती हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।